बंगाल में आज बढ़ेगा सियासी पारा, बीजेपी का संदेश खाली चलो मार्च। बसीरहाट में बंगाल बीजेपी के नेता करेंगे रैली, जवाब में कोलकाता के परेड ग्राउंड में होगी ममता बनर्जी की जनगर्जन रैली। लालू प्रसाद यादव के करीबी पर ईडी का एक्शन, देर रात बालू कारोबारी सुभाष यादव गिरफ्तार। शनिवार की छापेमारी में ईडी ने 2 करोड़ कैश और जमीन के कागजात किए थे बरामद। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा के सिर सजा, मिस वर्ल्ड 2024 का ताज। 112 देशों की कंटेस्टेंट को पछाड़कर बनी 71वीं मिस वर्ल्ड, टॉप 8 में रही भारत की सिनी शेट्टी। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। कार इंश्योरेंस रिन्यू कर दी। पूर्व काला जठेड़ी को 12 मार्च को 6 घंटे की पेरोल भी मिल गई है और इसी 6 घंटे में शादी की रस्में सारी पूरी कर ली जाएंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। 2 दिन के बाद लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी होने जा रही है। 12 मार्च का वो दिन होगा जब दिल्ली में ही ये शादी होगी और इसी के लिए पेरोल भी बकायदा अब मिल चुकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 2 दिन के बाद लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी होने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि ये शादी गैंगस्टर अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज यानी कि रिवॉल्वर रानी के साथ हो रही है। इस शादी की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। 11 मार्च को मेहंदी की रस्म होनी है और फिर 12 मार्च का वो दिन होगा जब शादी हो जाएगी और इसी के लिए काला जठेड़ी को 12 मार्च को 6 घंटे की पेरोल मिल चुकी है। लेडी डॉन यानी कि मैडम मिंज उर्फ अनुराधा चौधरी शादी को लेकर बहुत उत्साहित हैं। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो दोनों अब नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज 18 इंडिया पर अनुराधा चौधरी हैं, जो बहुत जल्द साथ फेरने जा रही है। पहले तो आपको शादी की शुभकामनाएं। अभी आपका एक लंबा सफर था जो क्राइम की दुनिया का रहा है, आप पे किडनेपिंग के आरोप लगे हैं, बहुत सारे आपने जेल भी गई हैं। अब आप किसी घर की बहू बनने जा रही हैं, एक गैंगस्टर के घर की, और शादी करने जा रही हैं, पहली प्रतिक्रिया? मैं खुश हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दीपक वासन साहब की कोर्ट ने हमें परमिशन दी है। एक क्रिमिनल का एक प्रोसेस होता है रिहैबिलिटेशन का, पुनर्वास, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि लोग डायलॉग तो मारते हैं लेकिन कोई अलाउ नहीं करता है कि वो दोबारा समाज में मेन स्ट्रीम में लौटे। उसके लिए स्टेप्स उठाना या फिर इस तरीके के आदेश देना बहुत चैलेंजिंग काम होता है।